दोस्तों आज हम जानेंगे कि हमारे घरों में यूज़ होने वाला टेबल फैन कैसे काम करता है। वैसे तो टेबल फैन एक सिंपल डिवाइस है जो पूरे रूम में हवा फैलाता है, पर हमारे मन में अक्सर यह सवाल आता है कि ये एक सिंपल सा बटन दबा देने से ये एक तरफ से दूसरी तरफ कैसे मूव होता रहता है। तो दोस्तों आज हम इस टेबल फैन की हर एक मैकेनिज्म के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स है। दोस्तों टेबल फैन के बेस में जनरली चार स्विचेज रहती है, जिसमें से एक ऑफ की और बाकी तीन स्पीड की होती है। फैन को स्टैंड पे माउंट किया जाता है। इस गियर की मदद से हम फैन को कोई भी एंगल पे सेट कर सकते हैं। फैन को घुमाने के लिए सिंगल फेज मोटर लगी रहती है और फैन को ऑसिलेट करने के लिए एक पुश बटन रहता है, जिसे दबाने से फैन एक तरफ से दूसरी तरफ घूमना शुरू कर देता है। दोस्तों तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे इन चार स्विचेस के बारे में। जब हम एक नंबर स्पीड वाली स्विच को दबाते हैं तो फैन लो स्पीड पे घूमने लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नंबर स्विच इस पोजीशन में रुक गई है। अब अगर आप दो नंबर स्पीड स्विच को दबाएंगे तो एक नंबर स्पीड स्विच अपने आप रिलीज हो जाएगी, और ऐसा ही कुछ होगा जब आप तीन नंबर स्पीड स्विच दबाएंगे। पर दोस्तों जब आप ऑफ का बटन दबाएंगे तो बाकी तीन बटन में से जो भी बटन दबा हुआ होगा वो तुरंत ही रिलीज हो जाएगा और ऑफ का बटन भी ऊपर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब ये जानते हैं कि इसके लिए क्या मैकेनिज्म लगा हुआ है। दोस्तों इस बॉक्स के अंदर ऐसी एक प्लेट होती है। इस प्लेट में जैसे कि आप देख रहे हो ऐसा एक खास तरह का डिजाइन बना हुआ होता है। ये प्लेट इस स्प्रिंग के फोर्स की वजह से पॉसिबली एंड पोजीशन पे ही रहती है। चारों बटन भी अलग अलग चार स्प्रिंग पे फिक्स किए गए हैं और हर एक बटन के साथ एक एक पिन फिक्स है। जब हम एक नंबर बटन दबाते हैं तो बटन के साथ जुड़ी हुई पिन प्लेट को धक्का देती हुई इस नोच में आके फंस जाती है, जिससे बटन वापस ऊपर नहीं उठ पाता। अब जब हम दूसरा बटन दबाएंगे तो ये प्लेट इस तरह से लेफ्ट साइड मूव होगी, जिससे पहले नंबर का बटन फ्री हो जाएगा और दूसरा बटन फंस जाएगा। पर जब आप ऑफ का बटन दबाते हो तो प्लेट उतनी लेफ्ट साइड मूव होती है कि कोई भी दबा हुआ बटन रिलीज हो जाए, पर ये ऑफ का बटन नीचे फंसेगा नहीं क्योंकि प्लेट के इस हिस्से में कोई नोच नहीं है। दबाए गए स्पीड बटन के अनुसार मोटर को सिग्नल जाएगा कि उसे किस स्पीड पे घूमना है। स्टार्टिंग में फैन सिर्फ एक ही दिशा में हवा दे रहा होता है, पर अगर आपको पूरे रूम में हवा चाहिए तो आप इस पुश बटन को दबा के फैन को ऑसिलेट करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि कैसे सिर्फ एक बटन को दबाते ही फैन ऑसिलेट होने लगता है। दोस्तों हमारे पास पहले से ही एक मोटर है, इसलिए फैन की ऑसिलेटिंग मोशन के लिए दूसरी मोटर यूज करना मूर्खता होगी। इसलिए हम ऐसी मैकेनिज्म यूज करते हैं जो मोटर की रोटेटिंग मोशन को ऑसिलेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर दे। उस मैकेनिज्म का मेन हिस्सा है फोर बार चेन मैकेनिज्म। फोर बार चेन मैकेनिज्म यानी चार लिंकों को जोड़कर बनाया गया मैकेनिज्म। ये चारों लिंक पिन से कनेक्टेड है और घूमने के लिए फ्री है। इसमें जनरली एक लिंक फिक्स रहती है और एक लिंक 360 डिग्री घूमती है, जिसे हम क्रैंक के नाम से जानते हैं। बाकी की दो लिंक फोर्सफुली आगे पीछे होती रहती है। अब अगर आप लिंक्स की साइजेस बदलेंगे तो आपको लिंक्स की अलग अलग मोशन मिलेगी। और इसमें से हमारे काम की है ये मैकेनिज्म। इसमें ब्लू लिंक फिक्स है और येलो लिंक 360 डिग्री घूमती है। इसमें आप इस ग्रीन लिंक की मोशन को देख सकते हैं। ग्रीन लिंक राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट सेम अमाउंट में मूव हो रही है। अगर इस लिंक के साथ हम मोटर फिक्स कर दें तो मोटर और मोटर के साथ पूरा फैन राइट टू लेफ्ट होता रहेगा। ये तो हो गई ऑसिलेशन मोशन मैकेनिज्म की बात।
यहाँ आप समझ गए होंगे कि हमें मोटर की शाफ्ट को इस क्रेन के साथ जोड़ना पड़ेगा। पर इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि हमारी मोटर की शाफ्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इसे हमें वर्टिकल प्लेन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसके लिए हमने सबसे पहले मोटर की शाफ्ट के साथ एक वर्म लगा दिया है। वर्म जब घूमता है तो ऐसा लगता है कि वर्म आगे बढ़ रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। इस वर्म के साथ कनेक्टेड है एक गियर। इस गियर के अंदर कुछ खांचे बने हुए हैं। इस गियर के बीच से एक दूसरे गियर की शाफ्ट को पास किया जाता है। इस गियर की शाफ्ट यानी पुश बटन। इस शाफ्ट में एक होल है जिसमें एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग की दोनों साइड एक एक बेयरिंग बॉल होते हैं। जब हम पुश बटन दबाते हैं तो ये बॉल्स गियर के खांचे में जाके अटक जाते हैं, जिससे गियर के साथ ये शाफ्ट और उसके साथ ये गियर भी घूमने लगता है। जब पुश बटन ऊपर उठा हुआ होता है तब ये बॉल्स ऊपर उठ जाते हैं और शाफ्ट को गियर की मोशन ट्रांसफर नहीं करते। इस निचले वाले गियर के साथ ये गियर जुड़ा हुआ है और इस गियर के शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ है क्रैंक, जो कि हमारी फोर बार मैकेनिज्म का हिस्सा है। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि इस मैकेनिज्म में वो चारों लिंक कहाँ कहाँ है। सबसे पहले ये क्रैंक है, दूसरा ये फिक्स बार है, और तीसरी ये रेड लिंक है, और चौथी लिंक जो राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट मूव होती है वो ग्रीन लिंक खुद मोटर है। अब जब हम पुश बटन दबाते हैं तो वर्म के साथ गियर और उसके साथ सारे गियर्स और क्रैंक घूमने लगता है, जिसे मोटर राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट घूमने लगती है। यहाँ पे मोटर की स्पीड बहुत है, अगर उतनी स्पीड ऑसिलेशन की रही तो थोड़ी ही देर में सारा मैकेनिज्म टूट जाएगा, पर यह स्पीड कम हो जाती है इन गियर्स की मदद से। तो दोस्तों ये थी टेबल फैन की मैकेनिज्म, आशा करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इस 3D एनिमेशन वीडियो बनाने में बहुत वक्त और मेहनत लगती है, हम आशा करेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।